शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। वहीं विंध्याचल के ऊंचे पहाड़ों और प्रकृति के गोद में विराजमान मां विजयासन धाम सलकनपुर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मां विजयासन देवी। विजयासन देवी मां दुर्गा का अवतार है। देवी मां का ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के रहटी तहसील में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है। वहीं मंदिर तक जाने के लिए सड़क मार्ग भी बना हुआ है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोप वे भी मौजूद है, जिसकी मदद से 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। विजयासन देवी पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया और सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। इस देवी धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं। विजयासन देवी की प्रतिमा स्वयं भू है। यह प्रतिमा माता पार्वती है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई है। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। भक्त माता के दर्शन के लिए पदयात्रा, दंडवत यात्रा कर यहां पहुंचते हैं। धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां मायां परां शमदिगं परश्य विष्णु। जैसा कि आपने पूछा है इस स्थान के विषय में, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो कुछ आप देख रहे हैं इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, आप इसकी अनुभूति करते हैं। बीज की जो प्रतिमा है स्वयंभू पीठ है, प्रादुर्भूत स्थल है। ऐतिहासिक और पौराणिक जो वक्तव्य है, पौराणिक विचारधारा है, अनादिकाल श्रुति परंपरा के अनुसार मार्कंडेय पुराण में भी सप्तशती में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत आया है। और भी बहुत से श्लोक हैं जिसमें नंद गोप गृहे जाता यशोदा कर्व संभवा तथस्तो नास इष्यामी विंध्याचल निवासी। मथुरा वृंदावन से लेकर के जो पर्वत आप देख रहे हैं, प्रथम पर्वत पड़ता है और उसी दृष्टिकोण से भगवती यहाँ आकर के विद्यमान हुई। दूसरा पौराणिक जो मत है उसमें रक्त बीज के वध के पश्चात भगवती विजय के बाद यहाँ आसन पर आरूढ़ रही हूँ, वो विजयासन, विजय के बाद जो आसन पर आरूढ़ विजयासन। अब भगवती ने समस्त राक्षसों का रक्त बीज का वध करने के पश्चात जहाँ आसन पर आरूढ़ रही हैं वो विजयासन के नाम से हैं, जिसे आप देख रहे हैं। भगवती यहाँ बड़े सौम्य रूप से वात्सल्य भाव से बगल में जो गणेश की प्रतिमा है और बीच में स्वयंभू पीठ भगवती प्रादुर्भूत स्थल है, तब से लेकर के आज तक वहाँ उस समय रक्त बीज के वध करने के पश्चात देवताओं ने यहाँ आकर के भगवती की अर्चन वंदना सूक्ष्मोपचार राजोपचार दिव्योपचार के साथ भगवती की अर्चन वंदना प्रार्थना की। चतुर्थ अध्याय मार्कंडेय पुराण के अंतर 17 अध्याय इत्यादि मंत्रों से प्रार्थना की। भगवती ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो इस स्थान पर दर्शन करेंगे, जो मेरी अर्चन वंदन करेंगे, वो सभी माँ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और ऐसा करते हुए देवता अपने अपने स्थान पर प्रस्थान किए। तब से लेके आज तक भगवती उसी स्थान पर शुद्ध पीठ के नाम से आप हम सभी भावनात्मक देखिए। दूसरा दृष्टिकोण है हमारा सनातन धर्म श्रद्धा विश्वास और भाव पर अवलंबित है। जाति रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जैसी चिंतनशी तस्त्री भाषा मंत्री तीर्थी दुधि देवी देवग्गई भेटिरी गुरु यादृशी भावना तस् सिद्धिर भवती तादृशी। अच्छा, यहाँ क्या क्या मान्यताएं पूरी होती है और क्या क्या मानता है भक्त लोग मानते हैं? अब जैसा आप पूछ रहे हैं आपकी भावना के अनुरूप भगवती स्वयं स्वयंभू पीठ विद्यमान हैं और यहाँ 500 वर्षों से एक अखंड जो ध्रत की एक अखंड जो तेल की जगह है। ध्रत जो चंद्रमा का प्रतीक है, तेल सूर्य का प्रतीक है। स्वामी भद्रानंद स्वामी के एक तपस्वी साधक थे जिन्होंने इस स्थान पर चैतन्य साधना की, तब से ये स्थान और विशेष चैतन्य हो गया, जिसकी भस्मी आप अपन सब धूमि की ग्रहण करके अपनी अपनी विभिन्न कामनाओं को विभिन्न प्रकार की आरोग्यता को प्राप्त करते हुए इस स्थान पर अनादिकाल से भावनात्मक दृष्टि जो जो जिस भक्त की कामना होती वो यहाँ मांगते हैं। वर्ष में यहाँ 4 पर्व की परंपरा है।